एप्लीकेशन को यूज़ करके कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और SBI एनीवेयर एप्लीकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले SBI एप्लीकेशन को आप SBI एनीवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और साइन इन कर लीजिए। और अपना पासवर्ड देके ओपन कर लीजिए एप्लीकेशन को। फिर यहाँ पे देखिए, ये 2018 का है वर्सन जो एप्लीकेशन है। और यहाँ पे मैं एक एक ऑप्शन का आपको यूज बता देता हूँ। माई अकाउंट्स जो यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है अकाउंट समरी में, ये देखिए। फिर आता है मिनी स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे तो ये आता है आपका ट्रांजेक्शन वगैरह सब दिखाता है। और एम पासबुक जो कि आपका पासबुक है, ऑनलाइन पासबुक, आपके पास जो बैंक का पासबुक जो भी है यहाँ पे वही दिखाता है अपडेट के साथ। फर्क ये है कि आप अपना पासबुक लेके जा रहे हैं बैंक को अपडेट करने के लिए, मगर यहाँ ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये है पासबुक और यहाँ पे दिखाता है स्टेटमेंट डाउनलोड। अगर आप किसी ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं प्रूफ की तरह, तो यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन, ये ऑनलाइन स्टेटमेंट है, इसको बैक करिए। और यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन है फंड ट्रांसफर। तो फंड ट्रांसफर पे आप किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि अदर SBI अकाउंट्स। यहाँ पे देखिए अदर SBI अकाउंट्स को यहाँ पे दिखा रहा है कि यू हैव नॉट रजिस्टर्ड बेनिफिकरीज फॉर दिस फंड ट्रांसफ़र कैटेगरी। इसका मतलब यह है कि मैंने अभी तक कोई बेनिफिकरी ऐड नहीं किया है SBI, अदर SBI अकाउंट का बेनिफिकरी मैंने ऐड नहीं किया है। ऐड करूँगा तो मैं ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। यहाँ पे दिखाई अदर बैंक अकाउंट्स, IMPS, मोबाइल एंड MMID, क्विक ट्रांसफर, सेंड MCash, शेड्यूल ट्रांजेक्शन, ऐड मैनेज बेनिफिकरी। ये जो ऐड मैनेज बेनिफिकरी है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं बेनिफिकरी को। कैसे दिखा देता हूँ। प्लीज़ एंटर योर प्रोफाइल पासवर्ड, आपको प्रोफाइल जो SBI एनीवेयर का पासवर्ड है उसको आप यहाँ पे देंगे और प्रोफाइल पासवर्ड देके आप ऐड कर सकते हैं बेनिफिकरी और इसको मैनेज भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी को। तो ये ऑप्शन भी गया। अभी है ई डिपॉजिट। ई डिपॉजिट क्या है, ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पे आप फिक्स्ड अकाउंट खोल सकते हैं, ओपन रिक्वायरिंग डिपॉजिट। रिक्वायर अगर आपको डिपॉजिट रिक्वायर होती है किसी को तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओपन मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, प्रीमैच्योर क्लोजर, ई डिपॉजिट इंक्वायरी। अगर आपका ऑनलाइन में किसी ने डिपॉजिट किया है तो इंक्वायरी करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। चेंज मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ रिचार्ज। टॉप ऑफ रिचार्ज क्या है कि मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हैं SBI एनीवेयर एप्लीकेशन के जरिए। DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा ऑफर भी रहता है। टॉप अप ऑफ स्टेट बैंक वॉलेट्स, अगर आपके पास स्टेट बैंक वॉलेट्स, स्टेट बैंक के और कोई एप्लीकेशन है वॉलेट में, तो यहाँ पे आप टॉप अप भी रिचार्ज कर सकते हैं उस वॉलेट को। टॉप अप ऑफ स्टेट बैंक प्रीपेड कार्ड्स, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। बिल पेमेंट्स, बिल पेमेंट्स क्या है, अगर आप अपने लाइफ इंश्योरेंस को बिल, अगर आप कोई इंश्योरेंस किए कर रहे हैं तो वहाँ पे बिल भी पेमेंट कर सकते हैं SBI एनीवेयर के जरिए। और बिल मतलब इलेक्ट्रिक बिल, सब गैस बिल, वाटर बिल, सब यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आप इस एप्लीकेशन के जरिए। उसका बाद आता है UPI। UPI क्या है, बहुत लोग जान सकेंगे UPI के वीडियो शॉर्ट के लिए। UPI क्या है, UPI एक ऐसा माध्यम है कि हम UPI के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ पे है। अगर आप आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं तो यह कर सकते हैं, और चेकबुक अप्लाई करना चाहते हैं तो यह कर सकते हैं। सर्विसेज,
सर्विसेज तो जानते ही होंगे, डेबिट कार्ड हॉटलिस्टिंग, अगर आप डेबिट कार्ड को अपना एटीएम को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैनेज डेबिट कार्ड वही है, डेबिट कार्ड मतलब वही एटीएम ही है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक वर्चुअल कार्ड, ऑनलाइन नॉमिनेशन, ट्रांजेक्शन स्टेटस इंक्वायरी, ट्रांजेक्शन लिमिट्स एंड चार्जेस, सबमिट 15G 15S। तो ये सब छोड़िए, नेक्स्ट ऑप्शन पे अभी जाते हैं। क्विक ट्रांसफ़र, क्विक ट्रांसफ़र क्या है? आप किसी को जल्दी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्विक ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिए, फिर कीजिए सेंड मनी। अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सेंड मनी के बाद अपना डेबिट अकाउंट चूज़ कीजिए, मैंने चूज़ किया मेरा नाम पे। फिर यहाँ पे लिखिए पे, यहाँ पे लिखा है पे यूजिंग अकाउंट डिटेल्स, इसको क्लिक कीजिए। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। बेनिफिकरी नेम, बेनिफिकरी नेम मतलब आप जिस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस अकाउंट नेम क्या है उसका, ये बेनिफिकरी नेम में लिखना पड़ेगा आपको, अकाउंट नेम सॉरी अकाउंट में जो भी नेम है। बेनिफिकरी अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे। फिर कंफर्म बेनिफिकरी अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे री एंटर करिएगा उस बेनिफिकरी का अकाउंट नंबर। यहाँ पे बेनिफिकरी आईएफएस कोड तो मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको पूछ लीजिए, उसके पासबुक में फ्रंट पेज में आईएफएससी कोड भी होगा, उस कोड को यूज करिए। और यहाँ पे अमाउंट भी ट्रांसफ़र, जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे लिखिए। रिमार्क्स, जो कुछ भी मैसेज आप दे सकते हैं दे दीजिए, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर सबमिट कीजिए, सबमिट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे पुट करना है, ओटीपी पिन को पुट करना है, फिर सबमिट दूसरी बार करना है। करने के बाद 2 ही सेकंड में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ये है SBI एनीवेयर का मेथड, और एक ऑप्शन भी इसमें ऐड हो गया है वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्ट के जरिए हम अभी वॉइस के जरिए SBI एनीवेयर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। कैसे? बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वॉइस के जरिए कह सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट, मोबाइल टॉप अप, डिटेल रिचार्ज, क्विक ट्रांसफर, व्यू एंड पे, रजिस्टर्ड बिल्स, लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर करना होगा बैलेंस इंक्वायरी, यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा एरर मेरा आ रहा है, आप यूज कर सकते हैं इसको। कैसे यूज कर सकते हैं ये भी दिखा देता हूँ। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो माइक के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और कहिएगा कि शो मी माय अकाउंट बैलेंस, तो यहाँ पे आपका बैलेंस वो दिखा देगा। मिनी स्टेटमेंट क्या है? मिनी स्टेटमेंट अगर जानना चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन वगैरह, तो आप माइक को क्लिक करने के बाद कहना होगा शो मी माय मिनी स्टेटमेंट। वैसे ही रिचार्ज करना चाहते हैं मोबाइल रिचार्ज तो मोबाइल रिचार्ज कहिए, DTH रिचार्ज कहिए, क्विक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो माइक को क्लिक करके क्विक ट्रांसफ़र कहिए, प्लीज़ पे माय बिल्स, लॉग आउट करना चाहते हैं तो माइक को क्लिक करके लॉग आउट कर दीजिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा इस एप्लीकेशन से। तो ये है SBI एनीवेयर का फुल मेथड, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। Cooking up, open the pork pie.